निश्चित रूप से जिला प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, मेरे साथ मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्माननीय अतिथिगण, देश विदेश से आए सम्माननीय प्रतिनिधिगण, स्काउट गाइड रोवर्स रेंजर छात्र छात्राएं और यूनिट लीडर्स और अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, नमस्कार ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಾ ಜಾನ್ಕರ್ ಖುಷಿ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ ಕಿ ಸ್ಕೌಟ್ ಔರ್ ಗೈಡ್ ಕೆ ಇತಿಹಾಸ್ ಮೇ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ವಿಶ್ವ ಸ್ತರೀಯ ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ ಔರ್ ಗೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಾರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏವಂ ಅಲ್ವಾಸ್ इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल फाउंडेशन के सहयोग से स्काउट और गाइड का अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक जमहूरी का आयोजन आज से प्रारंभ होकर के 27 दिसंबर तक चलेगा. मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं. निश्चित रूप से अलवाद कैंपस मूल विद्यालय में यह आयोजन 7 दिन चलेगा और सफलता प्राप्त करेगा. मुझे अवगत कराया गया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य एवं देश के अन्य राज्यों से लगभग 50,000 स्काउट गाइड रोवर्स रेंजर्स छात्रों और यूनिट लीडर एवं 10,000 शिक्षकों के साथ साथ अन्य देशों के प्रतिभागी भी भाग ले रहे हैं. अभी आपने और हमने जॉर्डन से पधारे हुए महानुभाव का जोरदार और अच्छा भाषण सुना. उन्होंने 2-3 बार भारत माता की जय का नारा लगवाया और ये कहा कि विश्व के देश भारत की ओर देख रहे हैं, भारत को अच्छा मान रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत दुनिया में अपना नाम रोशन करे. इस 7 दिवसीय समारोह में अनेकों कलाकारों द्वारा देश एवं प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके साथ ही यहाँ कृषि मेले का आयोजन होगा, विज्ञान मेला होगा, पुस्तक मेला होगा, फूड मेला होगा, शिल्प मेला आदि मेलों का आयोजन किया जाएगा. आप और हम सब मेलों का महत्व समझते हैं. एक दूसरे से मिलने का समय मिलता है, एक दूसरे को देख करके उनकी रहन सहन की स्थिति और पहनावे से हमको जानकारी मिलती है. इन सब सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो 1 अगस्त 1907 को ब्राउन सीट टापू पर 20 बच्चों के साथ शुरू होकर के आज 216 देशों में विस्तारित होकर के काम कर रहा है. स्काउट और गाइड का उद्देश्य नवयुवकों में शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान और कौशल क्षमताओं का विकास करना है जिससे वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश हित और जनहित के सेवा कार्यों में योगदान दे सके और ये महसूस कर सके कि देश हमें सब कुछ